पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग की डेट जो है ना वो फाइनल हो गई है, अनाउंस कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इस तारीख को जो है ना ड्राफ्टिंग होगी, लेकिन उससे पहले टीमें जो है ना अपने प्लेयर्स वो तब्दील कर रही है एक दूसरे के साथ। नसीम शाह, हसन अली, माद वसीम, मोहम्मद आमिर, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन किस टीम में जाने वाला है। कुछ तो कन्फर्म हो गए हैं और कुछ जो है ना वो जाने वाले हैं, बस सिर्फ उनका ऑफिशियली तौर पर जो फ्रेंचाइज है उन्होंने अनाउंस करना है। तो इस वीडियो में ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग कर रहा है। पहले तो एक नसीम शाह थे कि नसीम शाह जो ना वो ट्रेंडिंग में चल रहे थे कि यार क्या हाइप बनाई हुई थी नसीम शाह ने, कि मतलब पिशावर जलमी, फिर इस्लामाबाद, फिर कराची किंग्स और अब मुल्तान सुल्तान से बात होने जा रही है नसीम शाह की। ये पूरी स्टोरी क्या है ये तो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले वो बता दूं जो वो कंफर्म हो गए हैं। हसन अली जो है ना वो कराची किंग्स में आ गए हैं। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम वो इस्लामाबाद यूनाइटेड चले गए हैं और कराची किंग्स ने इमाद वसीम को दे दिया है हसन अली के बदले पे। और इमाद वसीम दो PSL 8 के जो है ना वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। तो आज तक मैंने ये नहीं देखा था कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को भी आप अपनी टीम से बाहर कर दें, या वो जो है ना ये पहली दफा देखा है। इसी तरह से हसन अली तो इस्लामाबाद से आ गए कराची में और इमाद वसीम इस्लामाबाद में चले गए, लेकिन मोहम्मद आमिर भी जाने वाले हैं कराची किंग्स से। ये बड़ी खबर आपको दे दूं, शायद इससे पहले किसी ने आपको ये खबर नहीं दी हो, लेकिन यह मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद आमिर भी कराची किंग्स से जाने वाले हैं। मोहम्मद आमिर कराची किंग्स से जाने वाले हैं, सरफराज अहमद की तरफ उसकी फ्लाइट बढ़ने वाली, मतलब मोहम्मद आमिर क्वेटा ग्लेडिएटर्स में जाने वाले हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर्स में नसीम शाह की जगह पे मोहम्मद आमिर जा रहे हैं, लेकिन नसीम शाह कराची किंग्स नहीं आ रहे हैं, नसीम शाह जो है ना वो मुल्तान सुल्तान जा रहे हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कराची क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान से क्या प्लेयर मांगा है, मतलब एक प्लेयर के बदले एक मांगा है। बाकी अब तक क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने जिन टीमों के साथ भी बात की है नसीम शाह के बदले कभी तीन कभी दो प्लेयर्स मांगे हैं। पिशावर जलमी की बात करें तो पिशावर जलमी से क्वेटा ग्लेडिएटर्स तीन प्लेयर मांग रही थी, हसीबुल्ला, साय मयूब, मोहम्मद हारिस। इस पर पिशावर जलमी राजी नहीं हुई तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से बात बढ़ने लगी, आजम खान, वसीम जूनियर, इब्रार अहमद, इनकी बात चल रही थी, लेकिन इस पे जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं मानी। फिर कराची किंग्स से बात चली, कराची किंग्स में बात हुई, लेकिन कराची किंग्स में भी जो है ना क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है ना वो कराची किंग्स इनको इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दे रहे थे नसीम शाह के बदले पे कराची किंग्स, लेकिन ये क्वेटा ग्लेडिएटर्स को पसंद नहीं था। और उसके बाद अब मुल्तान सुल्तान के साथ बात चल रही है नसीम शाह की, जिसमें क्वेटा को जो है ना उनके पुराने प्लेयर रेल रस्सो को जो है ना देने का इम्कान है कि रेल रस्सो जाएंगे क्वेटा ग्लेडिएटर्स और नसीम शाह आएंगे मुल्तान सुल्तान। तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो आपको ट्रेड देखने को मिलेगा PSL की, मैं तो कहूंगा कि इससे बड़ा ट्रेड नहीं होने वाला है। रेल रस्सो मुल्तान सुल्तान को भी अपनी उनकी बैटिंग फिर कमजोर हो जाएगी, क्योंकि शान मसूद के बारे में भी अपडेट ये आ रही है कि वो भी कराची किंग्स जा रहे हैं। तो मतलब शान मसूद कराची किंग्स जाएंगे तो कराची किंग्स के कप्तान भी हो जाएंगे और ऊपर से फिर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग तो बहुत कमजोर हो जाएगी, एक मोहम्मद रिजवान अकेले रह जाएंगे। तो मुल्तान सुल्तान को भी देखना होगा अपने आप को। इसी तरह से क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को क्यों लेने से इनकार किया था, क्वेटा ग्लेडिएटर्स को सिर्फ मोहम्मद आमिर चाहिए, इमाद वसीम नहीं चाहिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इमाद वसीम के बदले आप कोई और प्लेयर दे, जो कराची किंग्स वो जो है ना उस पर राजी नहीं थे, क्योंकि कराची किंग्स ने सिर्फ इन दो प्लेयर्स को निकालना था, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर। इसके बारे में आप सबको पता है कि ये दोनों प्लेयर्स इस वक्त सोशल मीडिया पे किस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि कराची किंग्स ने इनको निकाल दिया है। तो ये सारी सिचुएशन अभी चल रही है इन प्लेयर्स की जो मैंने आपको बताई कि मुल्तान किसको ले रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से क्या बात हुई, पिशावर से क्या बात हुई, कराची किसको लेने जा रहा है, शान मसूद को कप्तानी क्या दे देंगे या शान मसूद आएंगे कराची में। तो ये सारी अपडेट इस वक्त चल रही है, ये सारे जो है ना ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बीच में हसन अली और इमाद वसीम की जो है ना वो रद्द बदल हो चुके हैं, बाकी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ अपडेट है और आने वाले दिनों में जो है ना ये कन्फर्म हो जाए। अब तक मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।